तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। दोस्तों, पीएम मोदी का कल एक बयान आया था कि ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करके वो घर बैठे बैठे विकास कार्यों की निगरानी कर लेते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। तो पीएम मोदी से अपील है कि एक बार ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करके युवाओं का दर्द भी देखें कि युवा किस तरह आपकी सरकार के खिलाफ रोजगार को लेकर रैलियां निकाल रहे हैं। पानीपत में युवाओं ने सेना की भर्ती के लिए मोदी सरकार के खिलाफ रैली निकाली और मोदी सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द सेना की भर्ती निकाली जाए, क्योंकि इंतजार करते करते लंबा वक्त बीत गया। साथ ही युवाओं ने ये मांग भी की कि जब भर्ती निकाली जाए तो जो युवा इंतजार कर रहे हैं उन्हें कुछ साल की उम्र में छूट दी जाए। लेकिन क्या सरकार सुनेगी कि युवा तो हरियाणा से लेकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान तमाम राज्यों में सेना की भर्ती के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर कोई असर नहीं है। यहां तक कि राजस्थान का एक युवा तो 2 महीने पहले बाकायदा दौड़ लगाकर 350 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंच गया था कि मोदी जी को किसी तरह युवाओं की मांग दिख जाए, युवाओं का दर्द दिख जाए। लेकिन अफसोस कि ना तो मोदी जी को सोशल मीडिया पर या मीडिया की कुछ खबरों के माध्यम से पता चला, और लगता है कि ड्रोन कैमरा उस वक्त उनका काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा अगर बात करें युवाओं के दर्द की, तो सोचिए 3 साल से कितने युवाओं की उम्र निकल गई जो सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। युवाओं का सपना होता है, बहुत सारे युवा सुबह उठकर दौड़ लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, कोचिंग लेते हैं, पैसा खर्च होता है, शारीरिक मेहनत होती है, और अब ऐसे युवा एक मेंटल ट्रोमा से गुजर रहे हैं कि कहीं भर्ती का इंतजार करते करते उम्र ना निकल जाए। तो मोदी सरकार आखिरकार कब सुनेगी रोजगार के मुद्दे पर? बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी भर्तियां ना होने पर एक बड़ा सवाल उठाया, चाहे सेना की भर्ती हो या फिर अन्य भर्तियां हो। वरुण गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां ना आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था, यह जानना हर नौजवान का हक है। तो वरुण गांधी ने सवाल उठाया है कि आखिरकार 60 लाख से ऊपर पद खाली हैं तो भर्तियां क्यों नहीं की जा रही। सरकार ने जब संसद में यह सवाल पूछा गया था पिछले सत्र में, कई सांसदों ने आवाज उठाई, जिसमें बीजेपी के भी सांसद शामिल थे, कि अगर भर्तियां नहीं होंगी तो युवाओं पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा और कम से कम सेना की भर्ती तो जल्द से जल्द निकाली जानी चाहिए। तो मोदी सरकार में मंत्री का जवाब था कि सेना की भर्ती इसलिए नहीं निकाली जा रही क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। दोस्तों, ये अपने आप में जवाब मजाक लगता है कि जब चुनाव हो सकते हैं तो सेना की भर्ती क्यों नहीं हो सकती। देश की सरकार कहती है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है, तो आखिरकार सेना की भर्तियां क्यों नहीं निकाली जा रही। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।